अध्यक्ष महोदय, मैं अत्यंत ही गंभीर बिंदु की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। ये समस्या समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए महिलाओं से संबंधित है, जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ये देश के प्रत्येक अस्पताल सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, रेफरल अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कार्य करने के लिए ममता सहयोगी और आशा सहयोगी की नियुक्ति की गई है, चयन किया गया है। लेकिन बिना वेतन के मानदेय के आधार पर इन लोगों से जबरदस्ती काम लिया जा रहा है। आज भी ये बंधुआ मजदूर की तरह काम करती हैं। इनका आज तक मानदेय और वेतन नहीं निर्धारित हुआ है और हम समझते हैं कि इन लोगों का चुनाव समाज के जो अंतिम छोर पर बैठे हुए लोग, गरीब तबके के लोग हैं, उनका ही चुनाव इसमें होता है। लेकिन जब और नर्स लोगों से भी ज्यादा ये लोग काम करती हैं। एएनएम जो है उसको 45,500 रुपया महीना मिलता है और एनएम जो है उसको 12,500 रुपया मिलता है और जो बहाल है, अस्थायी रूप से जो बहाल है, वैसे नर्सों को 12,000 रुपया दिया जाता है और ममता सहयोगी को मात्र 300 रुपया और आशा में कार्यरत जो सहयोगी है उनको 1200 रुपया। अभी कैबिनेट का निर्णय लिया गया है कि मात्र 1200 रुपया दिया जाएगा। इससे आज के समय में 300 रुपया से क्या हो सकता है, आप अंदाज लगा सकते हैं। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि इन ममता सहयोगी और आशा सहयोगी के वेतन तत्काल बढ़ाया जाए और इनकी सेवा को सरकारी सेवा की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय।